हो सके। सोशल मीडिया पर झूठे और भड़काऊ मैसेज वायरल करने वाले लोगों और रैली के लिए बार बार लोगों को उकसाने वाले और हंगामा करने वाले सभी लोगों को संगठनों पर मुकदमा दर्ज हो, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जो भी इस उपद्रव में दोषी हैं और लूटपाट और आगजनी में लिप्त हैं उनकी जांच हो और सभी अपराधियों के खिलाफ बिना भेदभाव के फास्ट ट्रैक अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है, इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए। नाजरीन सलाम आदाब, मैं हूँ कैसर रजा हुसैनी। रहते हैं लेकिन यहाँ पे एक जो चीज दिखी कि पैगंबर साहब पे डायरेक्ट टारगेट किया गया और उनके नाम से नारे लगाए गए और बीजेपी के सीनियर लीडर्स, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडर्स डायरेक्ट मॉब को लीड कर रहे थे। और एक और यूनिक चीज यहाँ पे देखने को मिली कि जेसीबी मशीन भी लेके आए थे मॉब में। जेसीबी मशीन का काम क्या है? किसी रैली अगर कोई ऑर्गेनाइज हो रही है तो जेसीबी मशीन का क्या काम है? और आज आप देख रहे हैं कि कोरोना से हमारा पूरा देश जूझ रहा है, जहां पे कोविड गाइडलाइंस भी कोई चीज होती है उनका भी वायलेशन किया गया। 5,000 4,500 से 5,000 लोगों की भीड़ ने वहां पे जुलूस निकाला, लोगों के घर तोड़े, मुसलमानों की मस्जिद को आग लगाई और पुलिस प्रशासन के सामने ये सब हो रहा था। कितने वीडियोस आपने देखे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स वहां पे हैं और उनके सामने ही ये दंगे किए जा रहे हैं और पुलिस वहां पे चुपचाप खड़ी हुई है। इतनी बड़ी रैली को अगर परमिशन दी थी, पहली चीज तो कोई ऑन रिकॉर्ड परमिशन हमें नहीं पता पड़ी, हमने जिससे ही बात करी तो हमें ये बताया गया कि ऑन रिकॉर्ड कोई परमिशन नहीं दी थी। परमिशन नहीं दी थी तो जिसने भी रैली निकाली उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई? रैली को रोकने का काम पुलिस ने क्यों नहीं किया? और रैली निकलने के बाद जब ये दंगे हुए, मस्जिदों को आग लगाई गई और महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, तब पुलिस ने फौरन FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं करी? अभी तक हम लोग ये जानने में नाकाम है कि कितने लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है और कितने लोगों को पुलिस छोड़ रही है। त्रिपुरा पुलिस कई बार ये बयान दे चुकी है कि बाहर से कुछ लोग आके हमारे यहाँ की स्टेट का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर त्रिपुरा पुलिस ने उन बाहर के लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं करी, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? और उसका एक बहाना ये बनाया गया कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया है, अटैक किया गया है, उसका हमें बदला लेना है और हिंदुस्तान में और त्रिपुरा में जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मुल्लागिरी नहीं चलेगी। तो भाई ऐसी कौन सी मुल्लागिरी यहां पे चल रही थी जो कि आप लोगों को मस्जिदों का, मुसलमानों का मारना पड़ा? जबकि हमने लोकल लोगों से बात करी तो जो गांव के लोग हैं, पानी सागर रफा बाजार हम लोग गए, वहां पे गांव के जो लोग थे, हिंदू कम्युनिटीज हो या मुस्लिम कम्युनिटीज हो, वो तो सैकड़ों सालों से मोहब्बत से रह रहे हैं और कई जगह जहां पे मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका वहां पे हमारे हिंदू भाई खड़े हो गए मस्जिद को बचाने के लिए। कई जगह जहां पे गांव में नुकसान नहीं हुआ वहां पे हिंदू कम्युनिटी के लोग मुस्लिम की ढाल बन के खड़े हुए कि यहां पे हमारे यहां दंगा नहीं होगा। और विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स ने हिंदुओं को बोला कि जो नहीं आएगा रैली में उसको भी हम देख लेंगे। इनको जबरदस्ती फोर्स किया गया रैली में आने के लिए। लेकिन आज भी आप सब जानते हैं कि 80% लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अमन पसंद है और एक दूसरे के लिए उनके दिलों में मोहब्बत है। लेकिन ये जो मोहब्बत बिगाड़ने का काम मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद और त्रिपुरा सरकार की आड़ में कर रही है, इस पे सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को और त्रिपुरा हाईकोर्ट ने तो कॉग्निस ऑलरेडी ले लिया है। अब मुझे ये देखना है, आप लोगों को भी देखना है कि कितने ऑफिसर्स जेल जाते हैं और कितने विश्व हिंदू परिषद के लीडर जेल जाते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं कि जितना भी नुकसान हुआ है, मॉस्क का, मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है या फिर आग लगाई गई है या तोड़ा गया है, मैं आपको हमारी जो मांगे हैं वो मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। सरकार हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में जांच कमेटी बनाकर पूरी घटना की जांच करवाए। पीड़ितों की शिकायत पर आवश्यक तौर पर अलग अलग FIR लिखी जानी चाहिए। इस उपद्रव की वजह से जिन लोगों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को आर्थिक नुकसान हुआ है उन सभी को राज्य सरकार द्वारा उचित मुआवजा तय किया जाए व उसकी भरपाई जल्दी की जाए ताकि ये बेगुनाह अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर ला सके और खत्म हो चुके उनके व्यापार और धंधे सुचारू रूप से पुनः शुरू हो सके। आगजनी और तोड़फोड़ में प्रभावित हुए धार्मिक स्थलों को सरकार अपने खर्च पर दोबारा बनवाए। हिंसा होने की आशंका के बावजूद कठोर कदम नहीं उठाने के कारण हुई हिंसा में थाना अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उनको तुरंत अपने पद और थाने से हटाकर नया थाना अधिकारी लगाया जाना चाहिए। रैली में पैगंबर मोहम्मद के अपमान करने वाले नारे जिन्होंने लगाए उन व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा राज्य का सौहार्द वातावरण खराब नहीं हो सके। सोशल मीडिया पर झूठे और भड़काऊ मैसेज वायरल करने वाले लोगों और रैली के लिए बार बार लोगों को उकसाने वाले और हंगामा करने वाले सभी लोगों को संगठनों पर मुकदमा दर्ज हो, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जो भी इस उपद्रव में दोषी हैं और लूटपाट और आगजनी में लिप्त हैं उनकी जांच हो और सभी अपराधियों के खिलाफ बिना भेदभाव के फास्ट ट्रैक अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।